हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आए हैं मैसूर पैलेस। गाइस, ये मैसूर के पैलेस का सामने का नज़ारा आपको दिखाते हैं। सामने से मैसूर पैलेस ऐसे दिखता है, और अभी इसके चारों तरफ से दिखा देता हूँ। और ये हर रोज़ खुलता है, मंगलवार को छोड़ के। मंगलवार को दिन ये बंद रहता है। और इसके बैक साइड है पहाड़ी, उसके ऊपर चामुंडी का मंदिर है, चामुंडी माता का मंदिर है। और ये है उसके चारों तरफ का नज़ारा। ये है इसका दूसरा गेट है, जिसके अंदर से एंट्री नहीं है, एंट्री इसके मेन गेट से होती है। ये बैक साइड का नज़ारा देखने के लिए, पीछे उसके पहाड़ी है। तो चलिए गाइस, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम एक काम करता हूँ, आपको मैसूर पैलेस के अंदर ले कर चलता हूँ। जी गाइस, आपको अंदर से दिखाऊँगा। और अंदर से जाने का रास्ता ये है। पे भी बैठ के आराम से देख सकते हैं। इसका 200 रुपये चार्ज है, पूरा पैलेस में आपको घुमाएंगे। यह है गाइस मैसूर पैलेस के अंदर का नज़ारा, जो अंदर इस प्रकार से तस्वीरें सब बनी हुई। राजा कहाँ का था, उनकी पूरी डिटेल इस महल के इन चित्रों पे लिखी हुई है। और अभी आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे जो कुश्ती का ग्राउंड। गाइस, यहाँ होती थी कुश्ती, और अभी भी दशहरे के दिन होती है। ये पूरा ग्राउंड कुश्ती के लिए बना हुआ था। और इसके बाद में जो आपको सामने पीछे सामने से दिख रहा है, वहाँ पर राजा बैठता था, तो पूरा मैच यहाँ देखते थे। और अभी भी दशहरे के दिन ये कुश्ती यहाँ पर होती है। तो गाइस, अभी गाइस ये मैसूर पैलेस का बैक साइड है, और यहाँ पे चेयर लगी हुई है, यहाँ पे लोग बैठे हैं। और उसके बैक इस साइड देखें तो आपके कपड़े के मार्केट है, जो कावेरी ट्रस्ट के नाम से। तो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ मिनी ब्लॉग था, और पूरा ब्लॉग देखेंगे तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं।